अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू असली क्रिकेट। कल पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल है। यस, लोगों की बड़ी बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि भाई इंडिया से फाइनल हो। लेकिन इंग्लैंड स्पॉइल्ड दैट पार्टी फॉर अस, आई गेस फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल। Almost 1.5 billion people in the world. But anyways, England ने क्या clinical performance दी है अपनी India के against। Beautiful, 16 ओवरों में। मैंने उस मैच से पहले prediction दी थी India 160 के around score करेगा और England जो है वो 18वें ओवर में उसको बना लेगा, उससे पहले बना लेगा, 18वें तक बनाएगा, उससे ऊपर ज़्यादा मैच नहीं जाएगा। But जो होना था हो गया। भेंडी लगी अच्छी खासी 152 की भरपूर कामयाबी के बाद 170 for 0। That's the way things are। खैर, कमाल परफॉर्मेंस इंग्लैंड की इंडिया को वापस भेजने के लिए। बट एनीवे, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, लोग पूछ रहे हैं बड़े मुझसे, पिछले जिस दिन से फाइनल डिसाइड हुआ है, इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सीन है, पाकिस्तान मैच जीत रहा है नहीं जीत रहा है। और मैं सबको एक ही बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है। क्यों जीत रहा है, उसकी बड़ी वजूहत है। अगर आपने सिर्फ सेमीफाइनल को देखना है, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखनी है, बाय ऑल मीन्स गो अहेड। लेकिन उनके सामने बॉलिंग अटैक कैसा था? तो हेल्स 130-140 टच करने वाले बॉलर्स को ऐसे ही खेलते हैं। प्राइम एग्जाम्पल रीसेंट पास की देख ली। बट पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, इट इज बीइंग लॉडेड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे, जहां पे पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक्चुअली जीता अपनी बॉलिंग से ही है, जितने मैच जीता है, और हमने जो रीसेंट सीरीज के लिए इंग्लैंड के साथ अपने होम ग्राउंड में, वो भी जितने मैच जीते सिवाय 200 वाले मैच के, वो अपनी बॉलिंग से ही जीते। हमने दो मैच और जीते, एक 6 रन से, एक 3 रन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों बॉलिंग की वजह से जीते। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग जैसी है वैसी ना होती तो वो मैच हम ना जीते। और फिर जिस दिन हमने बॉलिंग में गलती की, उस दिन फिर हमने डेफिनेटली बैटिंग में भी गलती की और वो मैच हम नहीं जीत पाए उस तरीके से। इन एनी केस, कोई मसला नहीं। अब जो मैच है, शाहीन बैक इन फॉर्म, व्हाट अ ब्रिलियंट साइट। वसीम जूनियर बहुत कमाल बॉलिंग करा रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन आई किड यू नॉट, वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। नसीम शाह द साइलेंट वॉरियर आता है, वो पीछे के रास्ते से 4-5 अपने 3-4 ओवर करा के जो है ना, बेहतरीन तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से, उसके पूरे वर्ल्ड कप के फिगर्स देखें आप, कमाल फिगर्स हैं नसीम शाह। बाबर आजम बैक इन टू द फॉर्म, उफ, बैक इन द रन, जबरदस्त। क्या साइड थी बाबर की, कवर ड्राइव में देखना, बाबर का कट देखना, बाबर का फ्लिक देखना, स्ट्रेट ड्राइव रिजवान के साथ, क्या खूबसूरत बैटिंग की पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में। मैं खैर, पाकिस्तान सेमीफाइनल की तो जितनी तारीफें करें आप शायद कम पड़ जाएंगी पाकिस्तान टीम की। ग्लिप्सेस हमने फील्डिंग के खास तौर पर देख ली, उस फील्डिंग से जो प्रेशर क्रिएट किया गया, शादाब क्या बात, वही ग्लिम्सेस, वही जो है कमिटमेंट फाइनल में देखनी है, अगर फाइनल होता है। अभी तक तो बारिश के काफ़ी चांसेस हैं, बट संडे को नहीं हुआ तो मंडे को हो जाएगा, मंडे को नहीं हुआ तो ट्रॉफी शेयर हो जाएगी। लेकिन अगर मैच होता है, मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान को आइडियली टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए, ताकि बारिश जो भी होती है, जैसे भी होता है, एक फिगर बैक एंड का फिगर उनको पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी करा के फील्डिंग अच्छी करके उनके ऊपर डाले फुल प्रेशर, जैसे हमने सेमीफाइनल में किया। और हम टॉस नहीं जीते थे, लेकिन पहले बॉलिंग करना पाकिस्तान की प्रेफरेंस होनी चाहिए, उनको बॉलिंग करके प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहिए, उनको फील्डिंग से, अपनी कमिटमेंट से उनके रन रोकने चाहिए। इफ़ यू रिस्ट्रिक्ट देम टू 150-160, अगर होपिंग के 20 ओवर की पूरी गेम होती है, 150-160 इसके दरमियान में उनको रिस्ट्रिक्ट करें, एंड देन बैट ऑन पाकिस्तान टू गेट इट डाउन इंशाल्लाह। इफ दैट इज नॉट द केस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 ओवर की गेम होती है, 10 ओवर की गेम में फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई 100 के करीब का टारगेट मिलता है, पाकिस्तान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्रोच का बहुत फर्क आ जाता है छोटी मजीद छोटी गेम में। अगर उससे भी कम का होता है तो आई एक्सपेक्ट अ सीरियस शफल इन द बैटिंग ऑर्डर डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। व्हाट आई एम होपिंग फॉर इज अनदर शादाब क्लासिक। शादाब की एक कमाल ऑलराउंड परफॉर्मेंस होगी। रियली होपिंग फॉर इफ्तीस परफॉर्मेंस, बिकॉज उनकी टीम में एक्सपेक्टेड है
कि एटलीस्ट एक लेफ्ट हैंडर वो ऐड करेंगे, एक ऑलरेडी है बेन स्टोक्स, और डेविड विली का शायद सुमार हो, मार्क वुड इज नॉट फिट, जो जैसे मर्जी हो, मैच हो, मैच जितना फुल लेंथ पॉसिबल होगा उतना अच्छा होगा, मज़ा आएगा पूरी दुनिया को जो वेट कर रही है इस फाइनल का, बड़े अरसे से खेल रही हैं, तैयारी कर रही हैं, पाकिस्तान ने फाइनलिस्ट के साथ 7 मैच खेले हुए, टेक्निकली 8 खेले हुए, वर्ल्ड कप का मोमेंट मैच भी खेला था, पाकिस्तान हार गया था, लेकिन वो टेस्टिंग कंडीशंस थी, टेस्टिंग कंडीशंस के साथ एक शाहीन खेल रहा था, शाहीन ट्राई कर रहा था, रिदम ला रहा था, अपनी बनाने की कोशिश कर रहा था, आई रियली होप शाहीन स्ट्राइक्स अर्ली, क्योंकि हम सबको पता है जब शाहीन पहले ओवर में विकेट लेना चाहे तो फिर इंशाल्लाह होपिंग फॉर अ पाकिस्तान विक्ट्री। उसके बाद PSL का ड्राफ्ट हो गया जी, PSL के ड्राफ्ट में क्या रिटेंशंस हुई हैं, क्या ट्रेडिंग हुई है, मैं पिछले कई सालों से कलंदर्स को सपोर्ट करता हूँ, करता आ रहा हूँ, नॉट इन द फर्स्ट 2-3 सीजन्स, बट उसके बाद से इस दफा थोड़ा सा मुश्किल हो गया, और उसकी अपनी वजह है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड हुआ कराची किंग्स से पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम, और बाबर आजम के बदले उन्होंने शुएब मलिक और हैदर अली दे दिए, जो हो रहा था हो गया, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ज़ल्मी गेम दिस PSL, क्योंकि अभी उन्होंने जब कंप्लीट ड्राफ्ट में रिटेंशन अपनी अनाउंस करती हैं, जो ड्राफ्ट में प्लेयर्स आ गए हैं कमाल, और इस वर्ल्ड कप के बाद कुछ अरसे बाद इंग्लैंड आ रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ सीरीज है, उसमें बहुत गेम होगी पता लगेगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जब PSL का ड्राफ्ट अनाउंस एक्चुअल हो जाएगा और हम देखेंगे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, उसके बाद मैं एक्चुअली अपना अनाउंस करूंगा कि मैं एक्चुअली किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बता दिया मैं पिछले कुछ अरसे से लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा था, बाय द वे लाहौर कलंदर्स की रिटेंशन कमाल थी, कमाल इज अ वंडरफुल, सम ऑब्वियसली हर फ्रेंचाइज ने कुछ प्लेयर्स रिलीज किए हैं, कुछ रिटेन किए हैं, और जो रिलीज किए हैं वो डेफिनेटली वापस ड्राफ्ट में आ जाएंगे, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, अच्छे खासे नए प्लेयर्स हैं जो ड्राफ्ट में आए हैं, जॉस बटलर इज इन द ड्राफ्ट, एलेक्स हेल्स इज इन द ड्राफ्ट, आई जस्ट होप दैट यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो पाकिस्तान फाइनल जीते, इन एनी केस वी हैव द PSL टू लुक फॉरवर्ड टू, बट PSL से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज है। टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज।